दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से चेंज हो रही है कि सिर्फ 12 महीने में एक नया लिया हुआ फोन आउटडेट हो जा रहा है। और इतना ही नहीं, हर साल हमें मोबाइल फोन में कुछ नया देखने को मिल रहा है। जैसे कि बात करें लास्ट ईयर की, ड्यूअल कैमरा फोन्स चलन में थे, हो क्यों ना, काफी बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे थे। अगर 2017 में आपने कोई फोन लिया था तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर मैं 2-3 महीने रुक के फोन को लेता तो मुझे उसी प्राइस में या फिर 500,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मुझे ड्यूअल कैमरे के साथ साथ एक बेजललेस फुल व्यू डिस्प्ले वाला एक नोच वाला फोन मिल जाता। तो ये दोस्तों टेक्नोलॉजी के अंदर नई नई इन्वेंशंस ही हैं जो कि हर साल हमें कोई नई चीज मोबाइल फोन में दिखा रही है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि मुझे फोन को कब खरीदना चाहिए, किस ब्रांड का खरीदना चाहिए, अगर फोन ले लिया है तो उसको कब तक यूज करना चाहिए, कब उसको बेच देना चाहिए। चलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। पहला सवाल कि आपको फोन को कब अपग्रेड करना चाहिए, कब नया फोन लेना चाहिए। तो अगर आप कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो यकीनन जब आपने स्मार्टफोन को लिया था वो उस समय मार्केट का नंबर वन स्मार्टफोन था। अब अगर आपको लगता है कि फोन आउटडेट हो चुका है, स्लो हो चुका है, मार्केट में इससे बढ़िया फोन आ चुके हैं, तो यकीनन आपको अपने फोन को अपग्रेड कर लेना चाहिए। बट अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका फोन सही है, ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो दोस्तों आपका फोन आगे आने वाले 5-6 महीने तो आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि आपका फोन आउटडेट हो चुका है तभी आपको नया फोन लेना चाहिए। अब दोस्तों नया फोन ले कैसे, तो यहां पर मैं कहूंगा कि अगर आपका फोन चल रहा है, जिसको आप आउटडेटेड मान रहे हो, जिसको आप स्लो मान रहे हो, तो अभी उसको यूज करें, मार्केट को एनालाइज करें, देखें कि मार्केट में कौन सा बढ़िया फोन चल रहा है, कौन सा बढ़िया ब्रांड है, लोग किसको अच्छा कह रहे हैं, किसको बुरा कह रहे हैं। दोस्तों एक दिन में आप डिसीजन मत लें, एक दो दिन लगाएं, देखें कि मार्केट में कौन सा बढ़िया फोन है, लोग किसको अच्छा कह रहे हैं। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो गली मोहल्लों में आजकल बहुत सारे टैकीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप उनसे सलाह लेके अपना फोन चूज कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखें, एक बार फोन लेने से पहले ये भी चेक कर लें कि कोई उसका अपग्रेडेड वर्जन तो नहीं आने वाला। तो होता यह है कि जब आप किसी नए फोन को ले रहे होते हो तो दुकानदार आपको ये कह के फोन बेच देता है कि वो फोन अभी रिसेंटली आया है, बढ़िया फीचर के साथ आया है, बट वो ये नहीं बताता कि अभी 1 महीने रुक के इसका एक नया वर्जन भी आने वाला है। तो दोस्तों किसी भी ब्रांड को, किसी भी फोन को चूज करने से पहले ये चीज चेक कर लें कि उसका कोई अपग्रेडेड मॉडल या फिर उसका कोई अपग्रेडेड वर्जन आने वाला तो नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो दोस्तों डेफिनेटली आपको अपग्रेडेड वर्जन लेना चाहिए, ना कि वो पुराना, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन हार्डली 500,000 रुपये महंगा मिलता है और उसमें आपको नए नए फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, आप फोन तभी अपग्रेड करें जब आपको लगे कि आपका फोन आउटडेट हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फोन ठीक है, सही चल रहा है, तो अभी अपग्रेड ना करें और तुरंत कभी भी अपग्रेड ना करें। मार्केट को एनालाइज करें, देखें आपके बजट में कौन सा समा रहा है, कौन सा बढ़िया है, परफॉर्मेंस कैसी है, और उसी के बाद उसको फाइनल करें। और फाइनल करने से पहले ये चीज भी चेक करें कि आगे आने वाले कुछ महीने में वो फोन अपग्रेड तो नहीं हो रहा है, मतलब उसको कोई अपग्रेडेड वर्जन तो लॉन्च नहीं हो रहा है। अगर लॉन्च हो रहा है तो आप अपग्रेडेड वर्जन पर जाएं, ना कि प्रीवियस वर्जन पर। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको किस ब्रांड का फोन लेना चाहिए। दोस्तों जितने भी ब्रांड्स करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं सारे बढ़िया फोन बनाते हैं, बस दोस्तों प्राइसिंग किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। तो जब आप अपने फोन को फाइनल कर रहे थे उसी समय आप ब्रांड को भी चूज कर लीजिए। बढ़िया ब्रांड्स में Xiaomi आता है, Samsung आता है, Oppo आता है, Vivo आता है, और इवन आपका जो लोकल ब्रांड्स हैं उनके भी काफ़ी सारे फोन्स हैं, वो भी आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किसको चूज़ किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका लुक कैसा है, उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसी बेसिस पर आपने चूज़ किया होगा। तो ब्रांड्स जितने भी मार्केट में हैं सब बढ़िया हैं, बस दोस्तों ध्यान रखें कि जिस ब्रांड को आप चूज़ कर रहे हो कहीं उसकी रेपुटेशन इंडिया में ख़राब तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आप फ़ोन ले रहे हैं और वो सर्विसिंग आपको ना दें।
तो जब भी आप फ़ोन चूज़ कर रहे हो तो किसी रेपुटेटेड ब्रांड का ही लें। मैंने आपको दो चार नाम बता दिए, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट एक बार फ़ोन खरीदने से पहले उनके सर्विस सेंटर कैसे हैं, कहाँ कहाँ हैं, आपके एरिया में है कि नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुझे फ़ोन को कब तक यूज़ करना चाहिए, कब उसे बेच देना चाहिए। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर आपको लगे कि आपका फ़ोन आउटडेट हो चुका है तो तुरंत उसको बेच दें, नए फ़ोन में अपग्रेड कर लें। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जब नया फ़ोन ले रहे हो तो आपको कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होंगी, और ऐसे केस में जब तक आप अपने पुराने फ़ोन को बेचोगे नहीं तब तक आप नया नहीं ले पाओगे। तो आप पहले पुराने फ़ोन को बेचें, देखें कि उसकी प्राइसिंग क्या मिल रही है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट प्राइसिंग आप चेक करें कि मार्केट में कौन सा फ़ोन आप गैदर कर सकते हो, ले सकते हो, और डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप चूज़ करें। तो दोस्तों जब भी आपको लगे कि आपका फ़ोन आउटडेट हो चुका है तो तुरंत ना खरीदें, बट आप अपने फ़ोन को जल्दी से निकालने की कोशिश करें। तो दोस्तों यह हैं कुछ मेरी तरह से सजेशन या टिप्स, यही कह लीजिए। बाकी अगर आपके मन में कोई और शंका है, क्वेश्चंस हैं, या फिर कोई और आंसर्स हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे बढ़िया फ़ोन्स हैं, और बहुत सारे घटिया फ़ोन्स भी हैं। तो प्लीज़ लेने से पहले आप शॉपकीपर के दिमाग पर ना जाएं, क्योंकि वो अपना ब्रांड बेचने की कोशिश करता है। आप उसके झांसे में आ जाते हो। अगर आप अच्छे टैकीज़ हो तो ठीक है, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो प्लीज़ दुकान में लेने से पहले किसी अच्छे पर्सन से सलाह जरूर ले लें। नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं जो कि चैनल चला रहे हैं, या फिर ब्लॉग साइट चला रहे हैं, या फिर दोस्तों ऐसे एजुकेशन देते रहते हैं, तो उनके चैनल को फॉलो कर लें। मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे मुझसे भी बढ़िया टैकीज़ हैं, मेरे से भी बढ़िया यूट्यूबर्स हैं, मुझसे भी बढ़िया ब्लॉगर्स हैं, तो आप उनसे पूछिए। और फ़ोन लेने से पहले एक बार ध्यान रखें कि जिस फ़ोन को आप चूज़ कर रहे हो उसकी सर्विसिंग कैसी है। तो दोस्तों ये रहे मेरी तरफ से कुछ सजेशंस। तो इसी के साथ मैं आपसे अब विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।